मेरे को पुलिस लड़की के ऊपर हाथ उठाएगा? अरे तू इधर बोल, नाम इधर हो, एक मिनट, लड़की के ऊपर हाथ उठा रहे, तेरे घर में लड़की नहीं है। हेलो एवरीवन, तो यार आज मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है, क्योंकि आज मेरे साथ इतनी बड़ी मिस हैपनिंग हुई है, मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो आज हम लोग अपना एक ब्लॉग शूट करने के लिए द्वारका सेक्टर 12 गए थे, वहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे। वहीं पे मेरा जो मास्क था वो मेरे चिन के पास था और मैं चाय पी रही थी, तो उसी टाइम पे वहाँ पे कोई चालान काटने वाले जो पुलिस वाले हैं जो भी हैं वो आए मेरे पास। तो मैंने उनसे यही बोला कि चालान किस बात का है, क्योंकि चाय पीते वक्त तो कोई चालान नहीं है। तो उन्होंने मुझे मेरे साथ इतनी मिसबिहेविंग की है, मेरी टीम को मारा है, मुझे मारा है, और उन्होंने इतनी बदतमीजी करी, और उसी टाइम पे हमने पूरी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करी। आप देखो कि उन्होंने किस तरीके से बदतमीजी करी, और साथ ही साथ उनकी छीना झपटी में मेरा पूरा फ़ोन जो है वो, ये देखो यहाँ से पूरा फ़ोन, ये पूरा फ़ोन टूट गया है, और ये जो मेरी डिस्प्ले है यहाँ से आप देख सकते हो, ये ब्लैक ब्लैक है, सारा मेरा फ़ोन ख़राब हो गया उन लोगों की वजह से। मुझे नहीं पता था कि इतनी गंदा सीन होगा, तो आप पूरी वीडियो देखना और आप खुद बताना कौन सही है और कौन गलत है। और आप कौन हो? इनका चालान हो रहा है विदाउट मास्क, आप कौन हो? नहीं, आप कौन हो? मैं सोच रहा हूं 332 का मुकदमा दे दूंगा। मैं बात दे दो, मुकदमा दे दो, बंद करा, बंद करा यार, मैं बात करा रही, बात मत करेगा, बुला पुलिस, लड़की के ऊपर हाथ उठाएगा तू, मेरे को पुलिस लड़की के ऊपर हाथ उठाएगा? अरे तू इधर बोल, नाम बता, इधर हो, एक मिनट, लड़की के ऊपर हाथ उठा रहे, तेरे घर में लड़की नहीं है। लड़की में उठाया नहीं, मैं लड़की में उठाया तू हाथ? अरे तेरे पे उठाया, मेरे हाथ के उठा देगा तू? हाँ तेरे पे उठाऊंगा। तो हाथ उठाने का तो सर अलाउड ही नहीं है किसी के भी। ये क्या कर रहा है? सर को उठाएगा तू? वो चाय पीते रहा, कौन बोल रहा है? बीच में लाने दोस्त, तू मैं इनको बोल रहा हूं, अब तू क्या लड़की को हाथ कैसे उठा? अरे मैं बता रहा हूं, तू इधर हो, ले एक मिनट, इतना बड़ा हो गया लड़की को हाथ उठाएगा? साइड हो, एक चलो मैं तेरे अंदर। अरे तू साइड हो, साइड साइड ही हूं मैं, ले इसको साइड कर मैडम को, मैं बता रहा हूं। अरे नहीं यार बहन, गाली क्यों कर रहे हो? मैंने फिर लड़की को हाथ उठाकर छोड़ा बन रहा है, मैं बता रहा हूं। गवर्नमेंट ड्यूटी, ठीक है, कोई गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही, कोई गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही लड़की बात उठाने की। मैं अपना काम कर रहा हूँ, सिंपल आदमी चल रहा है, गाड़ी में बैठे हैं। नहीं नहीं इसको करने दे, तुम इनके साथ हो, अपने घर जाओ, जाओ अपने घर, आप इनके साथ हो, आप इनके साथ चाय मास्क के ऊपर से पी सकते हो भाई? हाथ उठाया, मैं वीडियो डालूंगा शाम को इस गाड़ी के नंबर के साथ, इस लोकेशन के साथ। प्रूफ दो, प्रूफ दो, हाँ तो प्रूफ दिखाओ, एविडेंस दिखाएंगे। अरे अभी ऐसे थोड़ी पर्ची कहाँ जाती है मुझे ये बताओ, ये पर्ची, मैं पर्ची आपको ही दूंगा। अरे नहीं दूसरी, अरे मैं आपको ही दूंगा पर्ची। नहीं नहीं नहीं, तुम छोड़ दो, मैं बात कर, 100 नंबर पे फोन करके लड़की पे हाथ कैसे उठाया? सर मैं आपको दूंगा पर्ची, 100 नंबर कर दे, 100 नंबर कर, अपना नाम, मैं पागल नहीं, मेरे को जरूरत नहीं अंदर को, नाम बताओ अपना नाम, नाम बताने की जरूरत नहीं है, तू कौन है? 100 नंबर आ रही है, रुक जा, सर मैं, बुलाओ बुलाओ 500 नंबर बुलाओ, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं बात कर, कोई बात नहीं, तुम पीछे हो जाओ, गाड़ी का नंबर ले, ले जो लेना है, गाड़ी के नंबर की फुटेज ले, जस्ट जो लेना ले ले, अब तेरा मास्क उतार दूंगा, ठीक है? आप मेरे को तुम्हारा अभी रात के आसाम को 8 बजे तुम्हारा मास्क क्या जो उतर जाएगी। अरे चले ला, नाम बताओ, गुड नेम बताओ, निशिति भाई, गूगल पे भी चेक कर लेंगे इनका, वीडियो बना, तुम जा के उसको देख, मैं बात कर रही हूं। अब देख, अभी चालान के बाद 232 का मुकदमा लगा दो, लगा दो, कोशिश में बात कर तो रही हूं, तू बीच में बोल रहा है ना, रुक जा, काम मेरे को ड्यूटी नहीं करना, बीच में बात कर रहा है, साहब से बात करना था, ठीक है? हां साहब, लड़की बात उठा रहे तब नहीं दिख रहा, नहीं गवर्नमेंट हाथ उठाने की परमिशन दे रही है, इतना समझदारी दिखा रहा है, कौन सी गवर्नमेंट काम करते ऑफिसर को रोकने की परमिशन दे रही है? परमिशन हाथ उठाने का आदमी, ये बताओ ना मुझे, प्रूफ मांगने का हर किसी का है, प्रूफ मांगने का, प्रूफ मत दिखा दिया, तेरे को शुरू में दिखा दिया, हाथ उठा दोगे?
बीच में काम रोके का हाथ उठा, तू मेरी ये छीनेगा तो मैं तो मार दूंगा थप्पड़। मैंने छीना है वीडियो में, तो हाथ उठा रहा है ना वीडियो में ना, तो लड़की पर हाथ तुम कभी नहीं उठा सकते। लड़की का उठाने की क्या होता है तुम्हें पता है? सरकारी कागज है, बात चलेगा। अरे लड़की को मोहरा मत बना, हां मोहरा तुम्हारे बनेगा, आराम से बात कर ले, पता चलेगा। चुप हो जाओ, मैं आप एक चालान और ले लो, लगा दिया 2000 और दो ना। हां मैं दे रहा, गर्दी कहां कर रहे हैं हम? शूट करना हमारा गर्दी है, गर्दी कर रहे हैं, हमारा गर्दी कर रहे, शूट करना हमारा गर्दी। आपका काम है हमें कानून सिखाना, हमें ये नहीं सिखाना कि हम क्या करें क्या नहीं। आप भी नहीं उठा सकते, आप भी नहीं उठा सकते। हमारा गर्दी क्या होती है? आपको ना से बोलने वाले हम हमारा गर्दी कर रहे हैं। अगर मैं तमीज दे दूं तो तुम भी दो। आपको ना से कहने वाले क्या हमारा गर्दी कर रहे नहीं कर रहे? आप भी बोल सकते हैं जी, ये आप भी बताओगे हमें सर ये गलत है, ये भी गलत है जो बोल रहे हैं सर। इनके वर्ड आप सुन लो, ये कौन होता है बोलने वाले हम हमारा गर्दी कर रहे हैं? आवारा गर्दी कर रहे हैं हम। आप कौन होते बोलने वाले कि हम आवारा गर्दी तो हाथ उठा रहे हैं? उनका भी चेहरा दिखाना। मैं बताती हूँ, अगर आप ठीक है मैं बोलती हूँ सर। देखो हम लोग शूट ले रहे हैं, ठीक है इन्होंने ठीक है इसका चलन लगा स्मोकिंग का, ठीक है तो थोड़ी बहसबाजी। ये सर आगे धक्का मुक्की करने लगे, मतलब इनका हाथ उठ गया, ये कह रहे कि फोन वोन चौक। अगर इनके पास राइट है कि रिकॉर्ड करे, हमारे पास नहीं है कि हम रिकॉर्ड करें। इन्होंने पहले धक्का वक्का करा, हमने कहा कि मत करो ठीक है सर। और मैंने ये रहा चलान सर, ये रहा चलान मैंने करवाया ठीक है। अभी क्या है सर, इन्होंने पहले एक चलान के नाम पे दो चलान, इन्होंने क्या किया एक चलान के नाम पे दो चलान ले लिए, चलान अभी इन्होंने कहा कि तीन चलान लगेंगे। अभी इनके पास प्रूफ नहीं है तीसरे चलान का, पर अभी इन्होंने कहा था तीन चलान लगेंगे। जिस जिसका पैसे बना रहे हो और कुछ नहीं है, डबल पकड़ लेंगे ऑल मनी मेकिंग। हां सारे पैसे बना रहे हैं और कुछ पैसे बना रहे, चाहे अब यू गाइस आर इंटरफेरिंग। अपनी इच्छा किसी की आवारागर्दी करे या ना करे, कौन है बोलने वाला? बोल रहे आवारागर्दी कर रहे हैं, मर्जी बहन भाई है जो मर्जी कर रहे हैं। आंटी यूट्यूब पे 2 मिलियन है, एक बार चेक कर लेना भाई कौन है। यू हैव नो राइट, सर एक बार आप लगा के रखो सर, एक बात बताओ आप, एक बार एक बात पूछ रहा हूँ पहले मेरे को ये सर कि ये कौन होता है बोलने वाले क्या हमारा गर्दी कर रहे हैं? और हाँ भाई बहन एक बार ना यूट्यूब पे नाम चेक कर लेना, निशु तिवारी और क्रेजी आ रहे हैं, आपने जो शूट करा वो नाम चेक कर लेना, वो तो डाल देंगे पता चल जाएगा भाई बहन है नहीं हमारा गर्दी कर रहे हैं। इनका नाम इनकी पोस्ट पूछ लो, हाँ क्लिक एक दो तीन, ये चौथा बंदा भी आ गया, ये ले ले भाई मैं आ गया ठीक है भाई और देख ले। हाँ स्टाइल मार रहे हो, नाम भी बता दो एक बार, कभी बच्चे फिर घर पे आके पूछेंगे ना पापा लड़कियों पे हाथ उठाते हो, तमीज से बात बोलो। अरे तुम तमीज से लड़कियों का पता चल जाएगा क्या है। तो यार आप लोगों ने सब कुछ खुद ही देखा है कि किस तरीके से ये लोग हाथ उठाने के बाद गाली देने के बाद ये फिर भी इतनी बदतमीजियां कर रहे हैं और हम पे ही हावी हो रहे हैं और हम पे कह रहे हैं कि तुम पे हम ये धारा लगा देंगे वो धारा लगा देंगे तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। इनके मन में 1% भी ये नहीं था कि चलो बच्चे हैं चाहे जो भी है कुछ भी नहीं। इन्होंने हमको इतनी गंदी गंदी बातें बोली और मेरा पूरा फोन तोड़ दिया, धक्का मुक्की करी, इवन हाथ तक उठाया। मुझे यार सोच के भी ऐसा लगता है कि यार इन्हें किस लिए रखा है, हमारी मदद के लिए रखा है, हमारी सेफ्टी के लिए रखा है सरकार ने, या फिर हम पे हमको पे गाली देने के लिए हमको मारने के लिए रखा है? यार हर चीज़ ना एक लिमिट में होती है और ये लोग इतनी हरकतें जो करके गए ना, बिल्कुल मेरे सर पे से पानी जो था वो बिल्कुल बाहर आ गया। मैं ना कल जाके इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाली हूँ और FIR करने वाली हूँ, क्योंकि ये कोई बात नहीं होती कि आप पहले किसी के पास आओ बिना उसके। यार एक बात बताओ, ये लोग जब वीडियो बनाते हैं ये लोग आते ही अपना कैमरा चालू कर लेते हैं, तो क्यों नहीं हम अपना चलान करते वक्त हम क्यों नहीं रिकॉर्डिंग कर सकते? हमने बस इतना बोला कि हम भी रिकॉर्ड करेंगे, इन्होंने मेरा फोन तोड़ा है, उसके बाद मेरे को गाली गलौज दी है। मैं वो चीज़ें बता नहीं सकती जो इन लोगों ने बोला है, और झूठे केसों में फंसाने के लिए मेरी टीम के बंदों को बोला कि तेरे को तो इस केस में फंसाऊंगा, तू लड़की का मिसयूज़ कर रहा है, और यहाँ तक ये बातें भी बोली है इन लोगों ने कि तुम तो सड़कों पर आवारा गर्दी करते हो। अगर आप में से कोई भी ऐसा बंदा देख रहा है जिसकी जान पहचान ऑफिशियली बहुत अच्छी है तो प्लीज़ इस वीडियो को दिखाना, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करो और आप लोग भी देखो कि ये किस तरीके से अपनी पावर का या जो भी इनका है मिसयूज करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करना कि जो ऑफिशियल बंदा है वो भी देखे और देखे कि किस तरीके से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप लोग खुद सोचो, मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई मजदूर है जिसके पास वो इतना कैपेबल नहीं है कि इतना महंगा चलान भर सके, उसके पास पैसे नहीं है, तो ये तो उनको सीधा मारने लग जाएंगे, उनको झूठी धाराओं में फंसाने लग जाएंगे कि तुझे इस केस में फंसाऊंगा, उसको जान से मारने की धमकी देंगे। मुझे बस ये जानना है कि हाथ उठाने का गाली देने का राइट इनको किसने दिया, मुझे बस इतना जानना है कि इनके पास इतना हक है कि हमको मारे गाली गलौज करे।